उस दिन पूर्णिमा थी। अपनी माँ के कहने पर सुजाता ने नई गुलाबी साड़ी पहनी हुई थी और एक थाली में भोजन रखकर वन देवता को समर्पित करने वन में आई थी। भोजन में चपातियाँ, दूध, खीर, शहद और सभी कुछ था। दोपहरी तप रही थी। जो ही वह नदी के किनारे आई, उसने रास्ते पर एक व्यक्ति को बेहोशी की हालत में पड़े देखा। उसने थाली नीचे रख दी और उसकी तरफ दौड़ी। वह मरी मरी सी सांस ले रहा था और उसकी आंखें एकदम बंद थी। उसके गाल भीतर को बैठे थे, जैसे उसे न जाने कितने समय से खाना न मिला हो। उसके लंबे लंबे बाल, उलझी हुई दाढ़ी और फटे पुराने कपड़ों से लग रहा था कि वह पहाड़ों में रहकर तप करने वाला कोई सन्यासी होगा जो भूख के मारे बेहोश हो गया है। सुजाता ने बेहिचक प्याली में दूध डाला और उसे उस व्यक्ति के पास ले जाकर उसके होठों पर थोड़ा गिरा दिया। पहले तो उसमें कोई हरकत नहीं हुई, फिर उसके होठ थोड़े थोड़े हिले और मुंह थोड़ा सा खुल गया। सुजाता ने धीरे धीरे उसके मुंह में दूध डाला। उसने धीरे धीरे दूध पीना शुरू किया और थोड़ी ही देर में कटोरी खाली हो गई। सुजाता वहीं नदी के किनारे बैठकर देखने लगी कि इस व्यक्ति को होश आता भी है या नहीं। धीरे धीरे वह उठकर बैठ गया और अपनी आंखें खोल दी। सुजाता को देखकर वह हल्का सा मुस्काया। उसने अपने उत्तरीय का कोना अपनी पीठ पर डाला और पद्मासन कर बैठ गया। पहले उसकी श्वास प्रश्वास धीमी ही रही, अब बाद में वह गहरी सांस लेने लगा। उसकी बैठने की मुद्रा स्थिर और सुंदर थी। उसे कोई पर्वतीय शरीर पीड़न तप करने वाला सन्यासी समझकर सुजाता ने हाथ जोड़े और उसे नमन किया, किंतु उस व्यक्ति ने उसे इशारे से ऐसा करने से रोक दिया। सुजाता बैठ गई और उस व्यक्ति ने मीठी आवाज में कहा, बच्ची मुझे थोड़ा दूध और दो। उसे बोलते हुए देखकर प्रसन्न सुजाता ने प्याली में दूध डाल दिया, जिसे उसने सारा का सारा पी लिया। उसने अनुभव किया कि इस दूध ने उसे कितनी शक्ति दी। एक घंटे पहले उसे लगा था कि वह अंतिम सांसें ले रहा है, अब उसकी आंखों में चमक आ गई थी और होठों पर मृदु मुस्कान। सुजाता ने उससे पूछा कि आप मार्ग पर कैसे अचेत हो गए? मैं पहाड़ों में शरीर पीड़न तप कर रहा था। इस तप के कठोर अनुशासन और नियमों के पालन के कारण मेरा शरीर बेहद कमजोर हो गया था, इसलिए आज मैंने निश्चय किया कि मैं पहाड़ से उतरकर नीचे गांव में जाऊंगा और भिक्षा के द्वारा कुछ भोजन प्राप्त करूंगा। लेकिन यहां आते आते मेरी शरीर शक्ति ने जवाब दे दिया। तुमको धन्यवाद है कि तुम्हारी कृपा से मेरी जीवन रक्षा हो सकी। वे नदी के किनारे बैठ गए और उस व्यक्ति ने सुजाता को अपने विषय में बताया। वह शाक्य वंश के राजा शुद्धोदन के पुत्र सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ जो कुछ कह रहे थे उसे सुजाता ध्यान से सुनती रही। मैंने देख समझ लिया है कि शरीर के साथ अन्याय करके शांति और ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। शरीर कोई यंत्र मात्र नहीं, इसलिए अब मैं प्रतिदिन सवेरे गांव में जाकर भिक्षा मांग कर लाया करूंगा। सुजाता ने हाथ जोड़कर कहा, मान्य सन्यासी, यदि आप आज्ञा दे तो मैं प्रतिदिन आपके लिए भोजन लाया करूं। इसके लिए आपको अपनी ध्यान साधना में विघ्न डालने की आवश्यकता नहीं। मेरा घर यहाँ से दूर नहीं है। मैं जानती हूँ कि मेरे माता पिता आपके लिए भोजन लाने पर प्रसन्न नहीं होंगे। सिद्धार्थ एक क्षण के लिए चुप रहे, फिर कहा, मैं प्रसन्नता के साथ तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ, लेकिन समय समय पर मैं गांव में भिक्षाटन करने अवश्य आऊंगा, ताकि मैं गांव वालों से भी मिल सकूं। मैं तुम्हारे माता पिता और गांव के अन्य बच्चों से भी मिलना चाहूंगा। सुजाता बहुत प्रसन्न हुई। उसने हाथ जोड़े और कृतज्ञता प्रकट करते हुए नमन किया। सिद्धार्थ उसके घर आएंगे और उसके माता पिता से मिलेंगे, यह विचार एकदम अद्भुत था। वह यह भी जानती थी कि प्रतिदिन उनके लिए खाना ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसका परिवार गांव में सबसे धनी था।
उसने यह बात सिद्धार्थ को नहीं बताई। वह केवल इतना समझ सकी थी कि वह सन्यासी असाधारण है और इनको भोजन कराना दर्जनों वन देवताओं को अन्न अर्पण करने से भी अधिक लाभप्रद है। उसने सोचा कि यदि सिद्धार्थ की ध्यान साधना गहन होती गई तो इनका प्रेम और ज्ञान संसार को कष्टों से मुक्ति कराने में सहायक हो सकेगा।